हेलो गाइस, ये कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप कुछ इस तरह का वायरल शॉर्ट्स बना सकते हो। और ये एक कंप्लीट लाइफ हैक या फैक्ट्स शॉर्ट्स एडिटिंग कोर्स है जिसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो शॉर्ट्स वीडियोस बनाने के लिए सबसे पहले आपको यूनिक वीडियो क्लिप्स की जरूरत पड़ेगी जो कि लाइफ हैक से भी रिलेटेड हो सकते हैं या फिर फैक्ट्स वीडियोस भी हो सकते हैं, या फिर अगर आपके माइंड में कोई दूसरा टॉपिक आ रहा है या फिर नीच आ रहा है तो उससे भी रिलेटेड आप वीडियो को जस्ट सेव करके रख सकते हो, जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उस तरीके की मदद से। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वीडियो क्लिप्स को फाइंड आउट करेंगे एंड उसी को सेव करेंगे, लेकिन वो वीडियो क्लिप्स थोड़े यूनिक होंगे तब जाके हमारे जो चैनल होगा वो जल्दी से ग्रो कर पाएगा। ठीक है, तो यूनिक वीडियो क्लिप्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है, आप ये देख सकते हो, नाम खुद से प्रोनाउंसिएट कर लेना। और ये जो एप्लीकेशन है ना वो आपको जस्ट गूगल प्ले स्टोर पे देखने को नहीं मिलता है, ये एप्लीकेशन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप इसे इंस्टॉल कर लेना। ओके, इंस्टॉल कर लेने के बाद आप इसे जस्ट ओपन करना, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको काफी सारे चाइनीज शॉर्ट्स वीडियोज देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कुछ टेक से रिलेटेड जस्ट हमें यहाँ पे शॉर्ट्स देखने को मिल गया है। सिमिलरली आप यहाँ पे और स्क्रॉल करो तो और भी काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, लाइक आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो जस्ट आपको इस एप्लीकेशन को सबसे पहले ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन दिख रहा हो, इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट आप उस चीज को सर्च कर लो जो आप चाहते हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप लाइफ हैक से रिलेटेड जस्ट वीडियोस को सेव करना चाहते हो तो जस्ट आप यहाँ पे लाइफ हैक इंग्लिश में भी लिख सकते हो या फिर आप यहाँ पे चाइनीज में भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये एक चाइनीज एप्लीकेशन है तो इसमें अगर आप चाइनीज लैंग्वेज में लिखोगे तो वो भी सही रहेगा एंड इंग्लिश में लिखोगे तो वो भी सही रहेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा तो आप देख सकते हो यहाँ पे लाइफ हैक से रिलेटेड काफी सारे जस्ट वीडियोज आ चुके हैं, आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब इनमें से आपको जो भी पसंद आएगा उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो एंड उसे आप देख सकते हो, जो पसंद आएगा फिर उसे आप सेव कर सकते हो। सेव करने का भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो आप ये समझ चुके कि कैसे आपको यहाँ पे सर्च करना है। एंड अगर सर्च करने का जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि जस्ट चाइनीज में भी आप सर्च कर सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा ना, जस्ट अपने गूगल को ओपन करके यहाँ पे आपको गूगल ट्रांसलेट लिख देना होगा। ठीक है, क्योंकि हमें तो चाइनीज नहीं आती है ना, सो इसलिए हम यहाँ पे आ जाएंगे, फिर इंग्लिश लैंग्वेज के जगह पे जस्ट चाइनीज को सिलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, चाइनीज सेलेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ पे लाइफ हैक को अगर चाइनीज में लिखवाना चाहते हो तो जस्ट आप यहाँ पे लाइफ हैक से लिख दो एंड उसके बाद ये चाइनीज में उसको कन्वर्ट कर देगा, लाइक आप देख पा रहे हो नीचे में। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे इसे जस्ट आप कॉपी कर लेना एंड उस एप्लीकेशन में जाके सर्च वाले सेक्शन में इसे को जस्ट आप पेस्ट कर देना, फिर सर्च करना। ठीक है, तो देन अगेन आपको यहाँ पे काफी सारे जस्ट लाइफ हैक्स वाले वीडियोज देखने को मिल जाएंगे, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यही दो तरीके हैं जिनकी मदद से आप यहाँ पे काफी सारे जस्ट वीडियो क्लिप्स को फाइंड आउट कर सकते हो जिस भी नीच से आपको जरूरत होगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे लाइफ हैक का सर्च कर रहे हैं तो लाइफ हैक्स के हमारे वीडियो आ रहे, फैक्ट अगर आप सर्च करोगे तो फैक्ट वाली वीडियो आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से सबसे पहले आप फाइंड आउट कर लेना एंड उसके बाद अब इसे आपको सेव करना होगा। सो जो भी वीडियो आपको सही लगे, जैसे मान लो अगर आपको ये वीडियो सही लग रहा है तो इसे सेव करने के लिए शेयर के ऊपर आप क्लिक करना, फिर यहां आपको एक कॉपी लिंक का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके लिंक को कॉपी कर लेना। यहां से डाउनलोड मत करना क्योंकि अगर आप यहां से डाउनलोड करोगे ना तो वाटरमार्क वगैरह आ जाएगा। ठीक है, इसलिए जस्ट कॉपी कर लेना लिंक को। उसके बाद आप दूसरा एप्लीकेशन, ये जो एक वीडियो डाउनलोडर एप्लीकेशन है, इसे ओपन करना एंड ये भी एप्लीकेशन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, सो वहां से इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, इसे ओपन करो तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। नाउ अब आपको जस्ट यहाँ पे जो डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिला है इसके ऊपर क्लिक कर देना, कुछ नहीं करना। जैसे कि अगर आप वहाँ पे लिंक को कॉपी करते हो ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ लिंक आ जाता है। ठीक है, आपको सिर्फ डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है एंड आपको जो वीडियो होगा वो यहाँ पे जस्ट सेव हो जाएगा, मतलब कि वो वाला एप्लीकेशन एंड ये डाउनलोडर एप्लीकेशन एक साथ लिंक रहता है। ठीक है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिंक को कॉपी करो, कॉपी हो गया, फिर यहाँ आओ, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करो, ये देख सकते हो डाउनलोड हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे जस्ट सेव के ऊपर क्लिक कर दोगे, सेव हो जाएगा जो भी फोल्डर में
रखना चाहो। जैसे थ्री लाइंस के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे आपका डिवाइस का नाम दिख जाता है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, फिर सेव के ऊपर क्लिक कर देना, सेव हो जाएगा आपके डिवाइस में। मैं आपको एक बार अपने गैलरी को ओपन करके दिखाता हूँ। लाइक आप देख सकते हो ये वाला सेव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जस्ट वीडियो क्लिप्स को फाइंड आउट कर सकते हो। और ये मैंने आपको सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर फाइंड आउट करके देखा है, लाइफ हैक। आप चाहो तो यहाँ पे हर एक टाइप का वीडियो क्लिप्स को फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। मूवी एक्सप्लेनेशन से लेके अमेजिंग शॉर्ट्स तक, फिर उसके बाद टाइम लैप्स वाले जो वीडियोस होते हैं उस टाइप के बहुत सारे आपको मिलते हैं। आप जस्ट यहाँ पे इंग्लिश या फिर जस्ट चाइनीज लैंग्वेज में सर्च करना, आपको काफी सारे क्लिप्स मिल जाएंगे। फिर उनमें से जो सही लगे उसे सेव कर लेना, मैंने आपको तरीका दिखा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जस्ट कर लेना। अब उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मूव करना है, जो कि है स्क्रिप्ट राइटिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज। अगर आपका स्क्रिप्ट अच्छा रहा तो आपके वीडियो को लोग लास्ट तक देखेंगे एंड आपकी वीडियो वायरल जाएगी, ओके। तो जो भी वीडियो आपने सेव किया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लाइफ हैक्स के रिलेटेड वीडियो सेव करके रखा हुआ है, साथ ही में कुछ यहाँ पे जस्ट इस टाइप के रिस्पेक्ट वाले जो वीडियोज होते हैं या फिर आप बोल सकते हो अमेजिंग मोमेंट वाले वीडियोज, वो सब मैंने सेव करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जस्ट अब हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखना होगा। एंड स्क्रिप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका स्टार्टिंग का वर्ड्स, उसी के कारण लोग हुक हो पाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। इस स्क्रिप्ट को आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या किसी ने आपको ये 5 लाइफ हैक्स बताए, मतलब कि स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन से लोगों के माइंड में जाएगा कि यार वो क्या 5 लाइफ हैक्स है जो कि ये हमें बताने जा रहा है। मतलब कि क्वेश्चन साथ ही में क्यूरियोसिटी दोनों ही माइंड में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है अगर नहीं तो सुनिए ध्यान से, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे उन्हें और ज्यादा जस्ट अलर्ट किया जा रहा है। तो इसी तरीके से आपको भी जस्ट स्टार्टिंग को लिखना है, ठीक है। स्टार्टिंग का जो इंट्रो होगा आपको उसे कुछ इसी तरीके से लिखना, ताकि लोग आपकी वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखने के लिए मजबूर ही हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से स्टार्टिंग करना, उसके बाद बाकी पार्ट तो आप जो वीडियो में जो भी चीज बता रहे हो, लाइफ हैक बता रहे हो, तो उससे रिलेटेड चीजों को आप लिख लेना। एंड अगर आप कोई अमेजिंग फैक्ट, रिस्पेक्ट, कुछ भी आप बता रहे हो उससे रिलेटेड चीजों को लिख लेना, ठीक है। स्टार्टिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जस्ट यहाँ पे स्क्रिप्टिंग कर लेना है, ओके। अब उसके बाद ये जो आपने स्क्रिप्ट यहाँ पे बनाया है, इसको आपको ऑडियो में कन्वर्ट करना होगा, जो कि आप खुद से भी कर सकते हो, मतलब खुद से वॉइस ओवर भी कर सकते हो या फिर आप AI से भी जनरेट करवा सकते हो। और आज मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा, AI से भी वॉइस जनरेट करने बताऊंगा, और इतना परफेक्टली AI से वॉइस जनरेट होगा ना, लगेगा कि कोई रियली ह्यूमन ने जस्ट उसे बोला है, ठीक है। तो कैसे करना है चलिए देखते हैं। सो वॉइस को हम जनरेट करने वाले हैं AI की हेल्प से, राइट। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर जो कि हर एक मोबाइल में होता है, आपके मोबाइल में भी जरूर से होगा। तो सबसे पहले आप इसे ओपन करना, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। देन सर्च के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे जस्ट उस AI का नाम लिखना है, और AI का नाम है देसी वोकल, ठीक है। तो आप जस्ट यहाँ पे देसी वोकल लिखना एंड जस्ट सर्च कर देना। स्टार्टिंग में ही ये AI आपके सामने आ जाएगा, फिर इसके ऊपर क्लिक करके इसमें आप एंटर हो जाना, ओके। एंटर हो जाने के बाद इस AI का यूज करके आप यहां पे रियलिस्टिक वॉइस जनरेट कर सकते हो, बट उससे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अकाउंट बनाने के लिए आपको यहां एक गेट स्टार्टेड फॉर फ्री का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर दो। इसके ऊपर आप क्लिक करो, देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहां पे एक कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इसे सेलेक्ट करना, ठीक है। इसे सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहां पे कोई भी एक ईमेल आईडी को जस्ट सेलेक्ट कर लेना है, मतलब आपके डिवाइस में जितना ईमेल आईडी होता है ना सारा यहां आ जाता है। अब इनमें से आप किसी एक को सेलेक्ट कर लो, जैसे कि मैं इसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे ही आप सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको यहां पे जस्ट कंटिन्यू करना होगा, और आपका अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा, लाइक आप यहां पे देख सकते हो, ओके। तो इस तरीके से जस्ट आप यहां पे अकाउंट बना सकते हो। अब अकाउंट बन जाने के बाद आपको यहां पे ना काफी सारे जस्ट वॉइसेस का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप यहां पे देख सकते हो बहुत सारे आपको वॉइस मिल जाएंगे। सबसे पहले तो ऊपर में आपको यहां लैंग्वेज मिलेगा, तो लैंग्वेज अगर आपको चेंज करना चाहो देन कर सकते हो। इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो, हिंदी अगर आपको चाहिए तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं जस्ट यहां पे हिंदी को ही रख लेता हूं, जैसे कि अगर ऐसे ना मिले तो आप यहां H टाइप भी कर सकते हो, ओके। सो यहां को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पे लैंग्वेज, जेंडर, कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट कर लेना। फिर नीचे आप आओगे तो यहां पे आपको काफी सारे जस्ट AI वॉइस देखने को मिल जाएंगे, लाइक आप यहां पे देख पा रहे हो, ठीक है। इनमें से मैं कुछ आपको प्ले करके भी सुना देता हूं।
दिवाली का सबसे पुराना उल्लेख स्कंद पुराण, पद्म पुराण और राम। देसी वोकल में आपका स्वागत है, जहां निशा की आवाज हर का देसी वोकल में आपका स्वागत है। अपनी कस्टम स्क्रिप्ट इनपुट करें और इसे जीवंत बनाने के लिए इस ऑडियो का उपयोग करें। आरव की स्पष्ट और मधुर आवाज। सो आपने यहाँ पे जस्ट वॉइस को सुना, कितना ज्यादा जस्ट ये सारे के सारे रियलिस्टिक वाले। ओके, तो इनमें से जो भी आपको वॉइस सही लगेगा जस्ट उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यूज वॉइस के ऊपर जस्ट क्लिक करना होता है, सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा जिसमें कि आपको अपना स्क्रिप्ट को जस्ट पेस्ट करना है। ओके, तो हमने स्क्रिप्ट को लिख के रखा हुआ है, जस्ट हम अपने व्हाट्सएप को ओपन करते हैं एंड यहाँ से उसे कॉपी कर लेते हैं, ये वाला है। सो इसे हम यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद इसे जस्ट हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखना कि आपने यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज को सेलेक्ट किया है तो आपको जस्ट यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट को हिंदी में ही लिखना होगा, क्योंकि आप ये देख सकते हो हम जो लिख के रखे हैं वो एक इंग्लिश में है, ठीक है। तो अब इसे हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए आप गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प ले सकते हो या फिर आप चैट जीपीटी से भी जस्ट इसे हिंदी में लिखवा सकते हो। जैसे कि चैट जीपीटी के ऊपर आप जाओ एंड यहाँ पे इसे जस्ट ये कमांड दे दो कि राइट इट इनटू हिंदी। नाउ उसके बाद जस्ट आप यहाँ पे अपना जो स्क्रिप्ट है उसे पेस्ट कर देना, फिर सेंड कर देना। जैसे ही आप सेंड करोगे आप देख पाओगे ये जो है वो आपके स्क्रिप्ट को जस्ट यहाँ पे हिंदी में लिख दिया। अब इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करो, कॉपी कर लो एंड उसके बाद आप यहाँ पे इस एआई में आ जाओ एंड इसे आप पेस्ट कर दो, ठीक है। जैसे कि हम इसे यहाँ पेस्ट कर देते, इसके ऊपर क्लिक करते हैं एंड इसे यहाँ पेस्ट कर दिया। ओके, तो इस तरीके से जस्ट आप यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट को पेस्ट कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे जस्ट एक जनरेट का ऑप्शन दिख रहा है, जस्ट आपको यहाँ पे अब जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही जनरेट के ऊपर आप क्लिक कर दोगे थोड़ा सा जस्ट आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा एंड आपका जो ऑडियो होगा वो यहाँ पे जनरेट करके ये दे देगा। ओके, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे जनरेट हो रहा है, तो जस्ट हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं। सो आप यहाँ देख सकते हो ऑडियो हमारा तुरंत ही जनरेट हो गया। अब मैं इसे सबसे पहले प्ले करके आपको सुनाता हूँ। क्या किसी ने आपको ये 5 लाइफ हैक्स बताए? अगर नहीं तो ध्यान से सुनिए। पहला, सो आपने यहाँ पे सुना बिल्कुल परफेक्ट, हमारा जो ऑडियो वो जस्ट यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो इस तरीके से करके आप जनरेट कर सकते हो। अब इसे अगर आप सेव करना चाहो तो जस्ट यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना एंड ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से वॉइसेस वाले सेक्शन से आप यहाँ पे जो भी वॉइस को यूज करना चाहो उसे आप यूज कर लेना, फिर उसके बाद स्क्रिप्ट को पेस्ट करना एंड काम हो गया। ओके, और अगर आपका ये क्रेडिट जो है वो खत्म हो जाता है तो आप यहाँ पे अपना जो अकाउंट है उसे चेंज कर लो, मतलब कि हर एक अकाउंट पे ये आपको जस्ट 500 क्रेडिट देता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अकाउंट को बदल लेना, मतलब लॉग आउट करना एंड दूसरा ईमेल आईडी से लॉग इन कर लेना, फिर यहाँ पे आपको ये 500 क्रेडिट दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से करके जस्ट आप यहाँ पे ऑडियो को जनरेट कर सकते हो या फिर बना सकते हो। ओके, ऑडियो वाला भी काम हो गया। अब लास्ट एक चीज बचा हुआ है जो कि है एडिटिंग। नाउ अब वीडियो को एडिट करने के लिए आप जो भी वीडियो एडिटिंग ऐप का यूज करते हो उसे आप ओपन कर लेना। जैसे कि इतने सारे मार्केट में वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है, जो भी आप यूज करते हो उसे जस्ट आप ओपन करना एंड प्लस के ऊपर क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आप क्लिक करें ना। फिर अगर आपने 2-3 वीडियो सेव किया हुआ है तो 2-3 वीडियो को आप यहां सेलेक्ट कर सकते हो। एक ही सेव किया तो एक ही को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहां पे 2-3 वीडियो क्लिप्स को सेव करके रखा था जैसे कि आपको मैंने दिखाया था। तो यहां पे एक मैंने सेलेक्ट किया, एक इसे भी सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। मतलब कि जो जो वीडियो क्लिप्स आप यूज करने वाले उन्हें जस्ट आप यहां ऐड कर लो। ऐड कर लेने के बाद अब आपके जो वीडियो होंगे उसमें कुछ म्यूजिक वगैरह होगा या फिर चाइनीज लैंग्वेज में कुछ बोला जा रहा होगा, ठीक है। तो आप यहां पे ये जो म्यूट का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करके उसे म्यूट कर दो। सबसे पहले ये कर देना, फिर उसके बाद आपको इसमें जो भी अच्छे-अच्छे वाले सीन रहेंगे, जो आपको पसंद आ रहे कि हां ये वाला लाइफ हैक सही रहेगा और इसके अकॉर्डिंग मैंने जस्ट अपना स्क्रिप्ट को रेडी किया है, तो उसे आप रखना, ठीक है। जैसे कि मैंने स्क्रिप्ट में फर्स्ट पार्ट में ये बताया था कि अगर आलू को काटने का सबसे आसान तरीका या फिर आलू को काटने के लिए एक ये मशीन आता है उससे बिल्कुल परफेक्ट साइज में कट जाते हैं, ठीक है। लाइक दिखाता हूं ये वाला मशीन के बारे में मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, स्क्रिप्ट में यही लिखा हूँ, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को जस्ट हम सबसे पहले रखेंगे। ओके, तो जहां से ये वीडियो स्टार्ट हो रहा हो कि यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे, फिर स्प्लिट के ऊपर क्लिक कर लेंगे एंड जितना दूर तक ये वीडियो रहेगा या फिर जितना दूर तक हमें रिक्वायर्ड होगी इस वीडियो की उतना दूर तक हम इसे रखेंगे। तो रखने का सिंपल सा स्टेप है, आपको इसे स्प्लिट कर देना है, ये आपका पार्ट आ गया, ठीक है। अब अगर आपको ये स्टार्टिंग वाले पार्ट से सही लग रहे देन रख सकते हो, अगर सही नहीं लग रहे तो इनको ऊपर क्लिक करके डिलीट कर दो, ठीक है। मतलब कि जो अच्छे वाले सीन आपको वीडियो में मिल रहे हैं उन्हें जस्ट आपको यहाँ पे कट कर करके रख लेना है। तरीका आपको पता चल गया है कैसे करना है, सिंपल सा चीज़ है। जहाँ से आपको वीडियो अच्छा लग रहा है
है, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट की बात करें, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं एक होल्डिंग डिवाइस, हाँ इसकी बात कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ से मुझे रखना है, सो वहाँ पे आप आ जाना, स्प्लिट करना, फिर जितना दूर तक आप रखना चाहो तो वहाँ पे आप आ जाना, एंड उसके बाद आप इसे स्प्लिट करना। जैसे कि ये प्ले हो रहा है, ये हमारे यहाँ पे काम कर गया, एंड डन। ओके, तो यहाँ तक हमें चाहिए, सो स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। स्प्लिट कर लेने से ये पार्ट बच गया, अब जो बेकार पार्ट है इनको ऊपर क्लिक करके डिलीट कर लेना, ठीक है। तो इसी तरीके से सेपरेट कर लो, मैं भी यहाँ पे फटाफट कर लेता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे जस्ट पांच लाइफ हैक्स को जस्ट सेपरेट करके रख लिया, ठीक है। फर्स्ट ये वाला है, सेकेंड हमारा कुछ ये वाला है, एंड थर्ड कुछ इस तरीके का है, ठीक है। फोर्थ ये वाला है, एंड फिफ्थ ये है। ओके, तो इसी तरीके से आपको भी सेपरेट सबको कर लेना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे इंट्रो को एडिट करना होगा, ठीक है। तो इंट्रो के लिए क्या करो ना, कि आप यहाँ पे जो वीडियो आप बता रहे हो, ठीक है, जैसे कि ये सारे यहाँ पे बताया जा रहा है, तो स्टार्टिंग में क्या करो कि आप यहाँ पे जस्ट सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करके आप सबसे पहले स्टॉक्स में आओ, ठीक है। स्टॉक्स में आने के बाद एक कोई ब्लैक इमेज को सिलेक्ट करके नेक्स्ट ऊपर क्लिक करना, तो ये ऐड हो जाएगा। अब इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे थोड़ा आगे तक पुश कर दो, एंड उसके बाद आप यहाँ पे लेयर में आ जाओ, ठीक है। लेयर में आने के बाद वीडियो एंड फोटो के ऊपर क्लिक करना, एंड आपको जो लॉन्ग फॉर्म वीडियो होगा, ठीक है, मतलब जिसे अभी आपने काट छाट के अच्छे वाले पार्ट्स को निकाला है, उसी वीडियो को आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। सेलेक्ट कर लेने के बाद अब क्या करना, इसको आपको क्रॉप कर दो थोड़ा सा, ठीक है। क्रॉप करने के लिए आप यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करो, आपको एक जस्ट क्रॉप का ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे 1:1 को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसे सेलेक्ट करके जस्ट डन करना, एंड इसे यहाँ पे मिडिल में अच्छे से फिक्स कर देना, एंड इसका स्पीड को बढ़ा दो, ठीक है। तो स्पीड को बढ़ाने के लिए स्पीड का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके रेगुलर में आ जाना, एंड यहाँ से स्पीड को इंक्रीज कर देना, फिर डन करना, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जस्ट यहाँ पे काफी सारे लाइफ हैक्स लोगों को दिख जाएंगे, ठीक है, जिससे कि वो पूरा वीडियो को देखने के लिए मोटिवेट होगा। ओके, तो इस चीज के लिए हम जस्ट यहाँ पे इसे स्पीड किए और साथ ही में इस तरीके से ऐड किए। ओके, तो ये कर लेना, उसके बाद बाकी पार्ट को आप यहाँ से स्प्लिट करके डिलीट कर देना, ठीक है। इतना कर लेने के बाद अब आपको जस्ट यहाँ पे ऑडियो को ऐड करना है, क्योंकि वही ऑडियो के अकॉर्डिंग सारे क्लिप्स को हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ओके, तो ऑडियो ऐड करने के लिए आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करो, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो म्यूजिक का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना, एंड फिर माई म्यूजिक के ऊपर आप चले जाना। देन आप यहाँ पे म्यूजिक लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करो, तो आपके डिवाइस में जितना म्यूजिक होगा वो सारा यहाँ आ जाएगा। अब अगर आपके डिवाइस में भी मेरे जैसे काफी सारे म्यूजिक हो, जैसे कि देख सकते हो 1400 म्यूजिक है, तो यहाँ खोजने में ज्यादा टाइम लगेगा। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फाइल ऐप के ऊपर क्लिक कर सकते हो, फिर ओके कर सकते हो, देन आपका जो फाइल मैनेजर होता है वो ओपन हो जाता है। ओके, उसके बाद आप यहाँ 3 lines के ऊपर क्लिक करना, एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन में आ जाओ, क्योंकि अभी हमने देसी वोकल से जस्ट डाउनलोड किया, तो डाउनलोड वाले सेक्शन में दोस्तों यहाँ आ जाना है, एंड उसके बाद ये जो यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह, मतलब जो भी ऑडियो था हमने सेव किया था, उसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करके कहीं पे भी आप इसे जस्ट ऐड कर देना, जैसे मैंने न्यू में ऐड कर दिया, और यहाँ पे आके जस्ट इसे हम सेलेक्ट भी कर लेंगे, फिर यूज के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर डन करेंगे तो देख सकते हो म्यूजिक यहाँ ऐड हो गया, सॉरी ऑडियो ऐड हो गया। अब इसी ऑडियो के अकॉर्डिंग जस्ट यहाँ पे सभी को हमें अरेंज करना होगा। ओके, तो इस ऑडियो के अकॉर्डिंग जस्ट इसे हमें थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल परफेक्ट, इतना दूर तक रखते हैं। एंड उसके बाद जब यहाँ पे ये बोल रहे हैं 5 life hack, तो अगर यहाँ पे टेक्स्ट आ जाए देन काफ़ी सही रहेगा, ठीक है। तो टेक्स्ट के लिए आप जस्ट यहाँ पे टेक्स्ट को ऊपर क्लिक करना, फिर टेक्स्ट को ऊपर क्लिक करके ऐड हेडिंग को ऊपर क्लिक करना, एंड यहाँ पे जस्ट लिख लेना। उसके बाद आप यहाँ पे फॉन्ट के ऊपर आके कोई एक अच्छा सा फॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, काफ़ी सारे फॉन्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर कलर के ऊपर जाके कलर बदलना चाहो तो बदल सकते हो, मैं इसे रख लेता हूँ, या फिर जस्ट पूरा येलो रख लेते, बिल्कुल परफेक्ट, फिर डन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ डन करके इसे ऊपर में जस्ट रख देना, वीडियो को चाहो तो थोड़ा और नीचे आप ला सकते हो, जैसे कि यहाँ रख लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। अब ये जो आपने यहाँ पे टेक्स्ट को लिखा है, इसमें आप एनिमेशन ऐड करो तो अच्छा लगेगा, सो मोशन के ऊपर जाना, एंड यहाँ पे जो भी एनिमेशन सही लगे उसे सेलेक्ट करके डन कर देना, ड्यूरेशन को फिक्स करना, देन आप देख पाओगे इंट्रो आपका यहाँ पे बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इंट्रो बना लेना है। अब उसके बाद यहाँ पे जब आप बोल रहे हो फर्स्ट लाइफ हैक, तो यहाँ पे अगर वो जो फर्स्ट काउंटडाउन आता है ना, वो अगर आए तो काफी सही रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ आप क्लिक करना, एंड जस्ट काउंटडाउन वीडियो को सेलेक्ट कर लेना। मेरे पास एक काउंटडाउन वीडियो है, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उसे सेव कर सकते हो, मैं इस वीडियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसे सेलेक्ट कर लेना, फिर यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक कर देना, ये ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करें कि फर्स्ट काउंटडाउन है ना हमारा, तो फर्स्ट वाला हमें रखना होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला जहाँ से है वहाँ तक आएंगे, स्प्लिट करेंगे और जो बेकार पार्ट है उसे हटा देंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख पाओगे ये हमारा फर्स्ट वाला यहाँ ऐड हो गया, और इसे थोड़ा पहले से रखना होगा हमें,
अब बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, तो इस तरीके से कर लेना। एंड इसका ड्यूरेशन ज़्यादा है, सो इसके ऊपर क्लिक करके इतना ही रखेंगे एंड इसे जस्ट यहाँ सेंटर में रख लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जस्ट आपको काउंटडाउन को स्टार्टिंग में ऐड कर देना, सो डेट की वीडियो जो हो आपका वो और भी ज़्यादा इंगेजिंग बन सके। लाइक आप यहाँ देख पा रहे हो, काफ़ी सही लग रहा है इसके कर देने से। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद जब आपका यहाँ पे ये सेकेंड आएगा तो फिर से वही काउंटडाउन वाला आपको ऐड कर देना होगा, ठीक है। तो ऐड करने का तरीका सेम रहेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करना, फिर यहाँ पे काउंटडाउन वीडियो को आप सेलेक्ट करना एंड उसके बाद ऐड करना एंड जो पार्ट आपको रखना है, जैसे कि इस बार हमें सेकेंड रखना है। ओके, तो यहाँ सेकेंड वाला जब आ रहा है तो स्प्लिट करेंगे और बाकी पार्ट को डिलीट करेंगे एंड जितना दूर तक रखना है वहाँ तक जाएंगे, फिर स्प्लिट करेंगे, बाकी पार्ट को डिलीट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से पूरा मैं आपको ऐड कर लेना है, मैं फटाफट ऐड कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने सभी जगह पे जस्ट ऐड कर दिया, जैसे कि ये फर्स्ट वाला यहाँ पे ऐड हो गया, फिर उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी थे वो सभी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से कर देना है और इन सभी वीडियो क्लिप्स को अपने ऑडियो के अकॉर्डिंग थोड़ा आगे पीछे करके अरेंज भी कर लेना। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो वीडियो है वो एडिट हो चुका है। अब इसमें हमें सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने के लिए म्यूजिक ऑप्शन दिख रहा है, इसी के ऊपर आप फिर से क्लिक कर लेना एंड आपको सारा पता है, जस्ट यहाँ आ जाना है। बस इस बार आपको बैकग्राउंड म्यूजिक को सेलेक्ट करना है, पिछली बार हमने यहाँ पे ऑडियो को सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद जो पार्ट रखना चाहो उसे सेलेक्ट करके डन कर देना। और ये एक बैकग्राउंड म्यूजिक है तो इसको वॉल्यूम कम होना चाहिए, इस वॉल्यूम के ऊपर जाएंगे एंड इसे कम कर देंगे, फिर कर देना है, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हो इंटायरली हमारा जो वीडियो है बनके रेडी हो चुका है। मैं आपको एक बार इसे प्ले करके भी सुना देता हूं। क्या किसी ने आपको ये पांच लाइफ हैक्स बताए? अगर नहीं तो ध्यान से सुनिए। पहला, इस मशीन की मदद से आलू काटने का काम घंटों से मिनटों में हो जाएगा, वो भी एकदम परफेक्ट कट के साथ। दूसरा, अगर आप भी ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो इस होल्डिंग डिवाइस का आपने यहाँ पे सुना, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा जो वीडियो है वो जस्ट बन के रेडी हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वीडियो को बना सकते हो। अब इसे अपने डिवाइस में सेव करने के लिए जस्ट एक्सपोर्ट के ऊपर आप क्लिक कर देना एंड ऑटो से आप मैनुअल में आके 4K को सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपके डिवाइस में 4K सपोर्ट करे। अगर 4K सपोर्ट ना करे तो 1080p को सेलेक्ट करके बस बिटरेट को बढ़ा देना, फिर एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना, बिल्कुल हाई क्वालिटी में आपका जो वीडियो है आपके डिवाइस में सेव हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको सारा स्टेप समझ आ चुका है और सारा स्टेप्स को मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर से सब कुछ समझ आया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो एंड खुशियां बांटते रहो।